आज वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बीक वाली देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 750 पॉइंट और निफ्टी 242 पॉइंट लुढ़क गए। इस गिरावट के पीछे अमेरिका में मंदी की आशंका और बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े हैं। बाजार खुलने के केवल 2 घंटे के भीतर निवेशकों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अमेरिका के अगस्त के बेरोजगारी आंकड़ों ने बताया कि पिछले 3.5 सालों में सबसे कम कर्मचारियों को काम पर रखा गया, जिसमें यह संकेत मिलता है कि वहां श्रम बाजार में मंदी बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर पर इसका असर विशेष रूप से देखा जा रहा है, जहां रोजगार के नए अवसर घटते जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में निफ्टी आईटी ने 1% की बढ़त दर्ज की, लेकिन बाद में यह गिरावट में बदल गई। एलटीआई माइंडट्री को ओवरवेट रेटिंग मिलने के बावजूद केवल 1.5% की बढ़त हासिल हुई। बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया बजाज फिनसर्व और टीसीएस कुछ अन्य शेयर हैं जिन्होंने बाजार में लाभ कमाया। 5 पैसा के लीड रिसर्च एनालिस्ट रुचित जैन ने बताया कि बाजार की हालिया गतिविधियां संकेत देती हैं कि इंडेक्स समेकित हो रहा है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक विशिष्ट खरीदारी की रुचि अभी भी मजबूत है।